अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इधर आ जाऊँ बेटा? जी जरूर आइए। ना मन करता, शुक्रिया। वो मैंने हॉस्पिटल कॉल की तो मुझे पता चला कि जोया को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कैसी है वो? ठीक है जी, अब बेहतर है, सो रही है। ये कुछ चीजें मैं तुम दोनों के लिए लाया, अपनी बेटियों के लिए। और बताओ, वहां पुलिस वगैरह का कोई मसला तो नहीं हुआ था? जोया का बयान वगैरह तो नहीं लिया था? नहीं, डॉक्टर ने पुलिस को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। हानिया बेटा, तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। वलीद ने अपना स्टे ऑर्डर वापस ले लिया। अब तुम जाके अपना बिजनेस संभाल सकती हो, शुरू कर सकती हो। अच्छा, कैसे मान गए थे आप? वलीद मेरा दुश्मन ही सही, लेकिन वो एक अच्छा, सच्चा और हमदर्द इंसान है। आनिया, उनकी सच्चाई और हमदर्दी दायमी के लिए क्यों नहीं है? छोड़ो इसको, इस बहस में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना बिजनेस स्टार्ट करो। एक मशवरा दूंगा तुम्हें, मानोगी? बोले, आपकी बात क्यों नहीं मानूंगी? तुम दानियाल से राबता कर सकती हो, उसका नंबर। नहीं, मैं नहीं चाहती कि दानियाल को तायबू के मुकाबले करो, और ना ही मैं दानियाल को अपनी किसी कर्ज के लिए आवाज देना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन दानियाल के साथ जो कुछ भी हुआ है उस पर तुम्हें उससे सॉरी तो कहना चाहिए, इंसानियत के नाते ही सही। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। ऑफिस कब जाओगे तुम? अपनी पोजीशन संभाल ले। बस वो शरीफा भी आ जाए तो सोया को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ, ये बात भी ठीक है। चलो जी, दे रहो बेटा, चलो मैं चलता हूँ। दरवाजा दो फिर। लेकिन दानियाल के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर तुम्हें उससे सॉरी तो कहना चाहिए, इंसानियत के नाते ही सही।